कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर आई एम विनीता एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ मॉरल साइंस ओबे योर मदर। इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक मदर अपने बेटे से बोल रही है वॉचिंग टू मच कार्टून्स कैन मेक योर आई साइट वीक, मीन ज़्यादा कार्टून देखना तुम्हारी आंखों को वीक बना सकता है। वो बेटा बोलता है ओके मम्मा, मेक मी नोटिस वेन एवर आई स्पेंड टू मच टाइम इन वॉचिंग इट, मीन जब मैं ज़्यादा कार्टून्स देखूँ तो आप मुझे नोटिस करा देना। तो बच्चों इस कन्वर्सेशन से हमें क्या समझ आ रहा है कि बच्चा अपनी मम्मा को ओबे कर रहा है, मीन चैप्टर का नाम है ओबे योर मदर, हमें अपनी मम्मा को ओबे करना चाहिए। लेट अस रीड द स्टोरी। केशव बिकेम अ थीव, केशव चोर बन गया बिकॉज ही डिड नॉट ओबे हिज मदर। वंस देयर वॉज अ बॉय नेम केशव, हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज Only 6 years of age. His mother had no one else but her son. She loved her son very much. She spoiled him by giving him everything he asked for. She never let him cry. Mean, एक बार एक boy था, उसका नाम था केशव। उसके father बचपन में ही मर गए थे जब वो 6 साल का था। उसकी मम्मा उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो उनका एक ही बेटा था। वह जो भी कहता था वह उसे सब कुछ देती थी और उसे कभी भी डांटती नहीं थी। इस तरह से उसने उसको बिगाड़ दिया था। वन डे व्हेन केशव केम बैक फ्रॉम स्कूल ही हैड गॉट अनदर बॉयज न्यू ज्योमेट्री बॉक्स। हिज मदर आस्क्ड हिम टू रिटर्न इट बट ही डिड नॉट। एक दिन जब वह स्कूल से आया तो उसके पास किसी और का ज्योमेट्री बॉक्स था। उसकी मम्मा ने उसे रिटर्न करने के लिए बोला लेकिन उसने उसको रिटर्न नहीं किया। हिज मदर ऑल्सो डिड नॉट फोर्स हिम एंड अलाउड हिम टू कीप द ज्योमेट्री बॉक्स। उसकी मामा ने उसको वापस लेने के लिए फोर्स नहीं किया और उसे रखने के लिए अलाउ कर दिया। मैं सोचती है कि ये एक छोटा सा ज्योमेट्री बॉक्स ही तो था, इसे रखने से कुछ नहीं होगा, आगे से वह ऐसा नहीं करेगा। केशव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, जल्दी ही केशव की चोरी करने की आदत पड़ गई। ही स्टार्टेड टेकिंग आउट थिंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बैग्स। ही यूज टू क्विकली पिक अप अदर पीपुल्स थिंग्स एंड पुट देम इन हिज बैग। धीरे धीरे वह अपने फ्रेंड्स के बैग से चोरी करने लगा और इसके अलावा और लोगों की भी चीज़ें चुरा कर अपने बैग में रखने लगा। ही यूज टू ब्रिंग एंड हाइड दोज थिंग्स एट हिज होम, वह उन चीज़ों को चुरा कर लाकर अपने घर में रखता था। उसकी मम्मा ये सब जानती थी लेकिन वह उसे और उसे ये पता था कि वह ये गलत काम कर रहा है लेकिन वह चुप रहती थी और उसे ऐसा करने से मना नहीं करती थी क्योंकि वह उसे अपसेट करना नहीं चाहती थी। एज केशव ग्रू अप, जैसे जैसे केशव बड़ा हुआ ही पिक्ड अप अ लॉट ऑफ बैड हैबिट्स बिकॉज देयर वॉज नो वन टू करेक्ट हिम, क्योंकि उसको सही बात बताने वाला कोई नहीं था। ही सून ज्वाइंड अ गैंग ऑफ रॉबर्स, उसने जल्दी ही रॉबर्स के एक गैंग को ज्वाइन कर लिया। वन डे ही वॉज कॉट बाय द पुलिस इन अ केस ऑफ रॉबरी। पीपुल केम टू नो ऑफ हिज मिसडीड्स एंड ही वॉज सेंट टू जेल। एक दिन वह रॉबरी के केस में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उसको जेल भेज दिया गया। सो आफ्टर सम डेज ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर जज इन द कोर्ट, और कुछ दिन के बाद वह कोर्ट में जज के सामने उसको पेश किया गया। ही वॉज गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर हिज इल डीड्स, देन द लॉयर आस्क्ड हिम लास्ट विश। ही विश्ड टू कॉल हिज मदर एज ही वॉन्टेड टू से समथिंग इन हर ईयर। लॉयर उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है तो वह अपनी माँ को कोर्ट में बुलाने के लिए कहता है एंड वह कहता है मैं अपनी माँ के ईयर में कुछ कहना चाहता हूँ। हिज मदर केम बिसाइड हिम देन ही कट ऑफ हर ईयर, जब उसकी मदर उसके पास आती हैं तो वो अपनी मम्मा के ईयर को कट कर लेता है। ऑल हु वर प्रेजेंट इन द कोर्ट वर सरप्राइज, देन द जज आस्क्ड द रीज़न ऑफ डूइंग दैट, सब लोग यह देख के सरप्राइज हो जाते हैं और जज ऐसा करने का रीज़न पूछता है।
केशव रिप्लाइड, केशव कहता है, सर व्हेन आई वाज अ यंग बॉय आई वाज इन हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, देन शी न्यू एवरीथिंग एंड हेल्प मी इन हाइडिंग माय फॉल्ट्स। जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मेरी मदर को मेरी चोरी करने की आदत के बारे में पता था और वह मेरी गलतियों को छिपाने में मेरी हेल्प करती थी। इफ दैट टाइम शी वुड बी स्ट्रिक्ट देन टुडे आई वुड नॉट हैव बिकम अ रॉबर। यदि वह जितनी स्ट्रिक्ट आज इतनी ही तब स्ट्रिक्ट होती और मुझे चोरी करने से मना करती तो मैं आज एक रॉबर नहीं होता। उसने मुझे एक रॉबर बना दिया, यानी उसने मुझे एक रॉबर में बदल दिया। अ मदर ऑलवेज ट्राइज टू टीच हर चाइल्ड गुड वैल्यूज एंड वॉन्ट्स टू मेक हर चाइल्ड अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक मदर अपने बच्चे को हमेशा गुड वैल्यूज ही सिखाती है और अपने बच्चे को एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाना चाहती है। देयर इज़ नथिंग दैट अ मदर वॉन्ट्स मोर देन दिस। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए इससे अच्छा नहीं चाह सकती। गॉड सेंट मदर्स टू फिल हिज एब्सेंस। गॉड ने मदर को अपनी कमी पूरा करने के लिए ही अर्थ पर भेजा है। तो बच्चों, हमें अपनी मम्मी को की बातों को मानना चाहिए, अपनी मदर को ओबे करना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे ने अपनी मदर को ओबे नहीं किया तो वह एक रॉबर बन गया था। फर्स्ट टाइम उस बच्चे की मम्मा ने उसे चोरी की चीज़ लौटाने के लिए कहा था, लेकिन उसने अपनी मम्मी की बात को नहीं माना था और वह एक चोर बन गया। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मम्मी की बात को मानना चाहिए, मीन अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। वो जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं।